मऊ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अफरा तफरी का माहौल हो गया है, जिसके चलते लगातार तमसा नदी का जलस्तर भी बढ़ता ही जा रहा है, जो कि प्रशासन के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ। वहीं नगर क्षेत्र में बीती रात बम घाट भगवान शनि देव के मंदिर के करीब पुलिया के पास बढ़ते जलस्तर के चलते कटान शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासन को सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बढ़ते कटान को देखते हुए उसे रोकने की कवायद में जुट गए। तो वहीं दूसरी तरफ गायघाट के करीब बनी अस्थायी गौशाला में आज नदी का पानी घुस गया। आज मऊ शहर में जो तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है, आज तमसा नदी अपने पूरे प्रवाह पे है, जिससे हम मऊ वासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसी का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया कि क्या कमी बेसी है। एक बंधा जो कि रात को टूट गया होता, लेकिन उसको चेयरमैन साहब ने लगकर किसी तरह मिलकर रुकवाया गया है। उसी प्रकार यहाँ जो नगर पालिका के द्वारा गौशाला खोला गया था, उसमें भी पानी चला गया है। मेरे नगर पालिका के साथ ही पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि सारे इन गौ माता को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। उसी सिलसिले में हम लोग लगातार कितने पशु प्रभावित हुए होंगे अभी तक? नियर अबाउट 66 पशु हैं। इसके नीचे कुछ आबादी भी निवास करती है, उनके लिए क्या सुविधाएं की गई हैं? उनके लिए भी हम लोग उच्चाधिकारियों से वार्ता करके जो हो सकता है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हो सके संभावित बाढ़ भी आ सकती है जी, निश्चित उसके लिए उसी के सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके जो उनके लिए उचित सहायता हो भी कराई जाएगी। यहाँ डेकुलिया घाट पुल के पास लोग काफ़ी संख्या में नहा रहे थे, उनको मना किया गया कि यहाँ नहाए नहीं, और जानवर की सुरक्षा के लिए सबको बोला गया। इसके अलावा कुछ गायें जो थी वहाँ पे पानी भर गया था, उसको ऊपर लाया गया। लोगों को और जो उनके पशु हैं उनकी सुरक्षा संबंधी पुलिस से जागरूक किया गया। नगर पालिका के लोग हैं काफ़ी मात्रा में, पशु अधिकारी हैं और राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। सर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा गांव? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी घूमने जगह। नज़दीकी जो भी गौशाला पड़ेगी, बरपुर पड़ेगा या पिजड़ा पड़ेगा, जो भी यहाँ से नज़दीकी पड़ेगा, हम देखते हैं वहाँ पर इन गायों को शिफ्ट किया जाएगा।